हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल। मसल में हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे इस मसल की पूरी सीरीज में कि मसल की एनाटमी क्या है, मसल की न्यूरो एनाटमी क्या है, फिर मसल का फंक्शन क्या है। धीरे धीरे हम पूरा स्केलेटल मसल, हमारी स्मूथ मसल, ये सारी की सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे आगे चलते हुए कि मसल में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। मसल का क्या, मसल में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसे होता है, मसल में जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा। तो ये केवल एक वीडियो में नहीं आएगा, है ना, इसके हमारी काफी सीरीज में पूरा आप पूरे मंथ टू मंथ क्या चलेगा, मसल की पूरी वीडियो आएगी, जिसमें कि अभी हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे मसल के बारे में कि मसल क्या होती है, मसल के क्या फंक्शन होते हैं और मसल कितने टाइप की होती है। तो आज के वीडियो में हम यही तीनों चीजों को कवर करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे ये तीनों चीजें कवर हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर स्केलेटल मसल की एनाटॉमी, फिर उसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई, क्या एक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। जो टॉपिक जितना लेंथी होगा उसको ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम पे अच्छी तरीके से आपको हम समझा सके। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मसल देखेंगे कि मसल क्या है। ठीक है, स्टडी अबाउट मसल्स आर कॉल्ड द मायोलॉजी। मायो सब जो ये मायो वर्ड है और लॉजी दोनों को अगर करें तो लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। मायो मतलब मसल, मसल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी अबाउट द मसल आर कॉल्ड द मायोलॉजी। और अब ये जो मसल है ये है क्या चीज, है ना, ये कैसे बन रहा है। हमें मालूम है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, मसल, है ना, फिर ऐसे करके ऑर्गन बनता है। ये सारी चीजें हमें मालूम है अच्छे से, जो कि हमने पहले से पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलरली क्या देख रहे हैं, मसल्स के बारे में। तो अगर यहाँ पे लिखा क्या है, मसल सेल्स कॉमनली नोन एज मायोसाइट्स। अब ये मायोसाइट्स, मायो मतलब की मसल के, साइट्स मतलब सेल, तो मतलब की मसल सेल्स जो है बहुत सारी ग्रुप ऑफ ये मायोसाइट्स मिल करके क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ मायोसाइट्स मिल करके क्या बनाते हैं, आपके मसल को बनाते हैं। ठीक है, अब ये मायोसाइट्स कहां से आते हैं, है ना, ये मायोसाइट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर सेल्स। एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर सेल्स को हम मदर सेल भी कहते हैं या फिर मायोब्लास्ट यहां पर कहा गया है, है ना, कि स्टार्टिंग में जहां से ये मायोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर सेल या मदर सेल, जहां से कि मायोब्लास्ट निकलते हैं और वो फिर मैच्योर होते हैं किसमें, मायोसाइट्स में। ठीक है ना, तो ये हमें समझ में आ गया कि एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर सेल से मायोब्लास्ट आए, मायोब्लास्ट से ये मैच्योर होकर के किसमें बने, मायोसाइट्स में, और ग्रुप ऑफ मायोसाइट्स मिलकर के पर्टिकुलर एक मसल बनाती है। ठीक है, ये हमें अच्छे से कंफर्म हो गया कि ये क्या है। अब हमारे बॉडी में अराउंड 600 मसल्स पूरे बॉडी में हमारे प्रेजेंट है, है ना, अराउंड 600 मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिनका पर्टिकुलर कोई ना कोई हर बोन्स, हर जॉइंट्स में कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मसल का एक बेसिक सा नॉलेज जो कि सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मसल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना, अगर बॉडी में हमारे कोई भी चीज है तो उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन है ना, तो वैसे ही हमारे मसल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारे फंक्शन को हम देखेंगे कि जिसमें आपके स्केलेटल स्मूथ और सारी मसल्स का क्या आ जाएगा, सारा का सारा फंक्शन। फिर इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किन का क्या फंक्शन होता है। तो अभी जनरली क्या है फंक्शंस ऑफ मसल में, बॉडी की मूवमेंट कराता है ना, हम रोटेट कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। आप आगे झुक करके कोई सामान भी उठा रहे हो तो उसमें क्या हो रही है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो पहला फंक्शन तो आपका क्या हो गया कि मसल बॉडी की मूवमेंट कराता है। दूसरा क्या है, मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को। आप लोग को याद होगा कि जब आप लोग स्कूल्स वगैरह में थे तो आप प्रेयर करते थे, तो प्रेयर में एक ही पोजिशन को हमें काफी देर के लिए उसे क्या करना रहता था, होल्ड किए रहना था, है ना, 10 to 15 minutes एक ही पोजिशन को हमें होल्ड करके रखना रहता था। तो उस पोस्चर में हमारी बॉडी कैसे मेंटेन कर रही थी उसी पोस्चर को काफी देर तक के लिए, तो वो कैसा है, किसके कारण है, मसल्स के कारण है। तो मसल्स का एक और क्या फंक्शन हो गया, पोस्चर को मेंटेन करना।
अब पोस्चर क्या है एज इन फिजियोथेरेपी में, ये हम आगे की वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन यहां पे हमें ये समझना है कि जो पोस्चर है वो बॉडी का पोस्चर जो मेंटेन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे मसल्स के थ्रू हो रहा है। तीसरा क्या है, प्रोटेक्ट जॉइंट्स। आगे चल के हम मसल्स में अपनी ये भी पढ़ेंगे कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एनर्जी फिक्सेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पे एक मसल्स का ये भी काम होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, है ना, जैसे शोल्डर जॉइंट, स्कैपुलो ह्यूमरल, जो क्या है ग्लिनोइड कैविटी है उससे हेड ऑफ द ह्यूमरस मिलाकर के अपना क्या है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनता है। तो ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है ना, ग्रेविटी इसे क्या कर रही है, पुल कर रही है, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स हैं जो कि इसको क्या करके रखे हैं, होल्ड। तो ऐसी मसल्स फिक्सेटर्स हो गई, सिनर्जीज हो गई, मेनली फिक्सेटर्स मसल क्या करके रखते हैं, जॉइंट को आपके फिक्स करके रखते हैं। तो आपके मसल का एक और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट जॉइंट्स। चौथा क्या है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब मसल्स कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, आपने देखा होगा कि जब सीवरिंग होती है ना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ विंटर हमारी बॉडी क्या होने लगती है, सीवर करने लगती है। ये सीवर बॉडी इसलिए कर रही है जिस, ये मसल्स के थ्रू हो रहा है सीवरिंग, ये मसल सीवरिंग इसलिए कर रही है जिससे कि मसल की मूवमेंट के कारण क्या हो, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर ठंडा हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाएं, टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो। तो ठंडी के टाइम पे हमारी बॉडी सीवर इसीलिए करती है क्योंकि ये हमारे मसल्स का एक बेसिक फंक्शन है, है ना, जो कि ब्रेन कंट्रोल करता है कि ठंडी अगर लग रही है तो मसल्स मूवमेंट करेंगे, सीवरिंग होगी, और सीवरिंग से क्या होगा, हमारे अंदर टेम्परेचर जनरेट होगा जो कि बॉडी को हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखता है ना। क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहेगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना, जिसके कारण से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको ना होने के लिए हमारी मसल्स का एक और फंक्शन क्या है कि सीवरिंग करना, जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखे। फिर अगला क्या है, पंपिंग ब्लड थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, है ना, जो हमारी मसल्स जो हमारी हार्ट में होती हैं वो क्या करती हैं, उनका भी काम होता है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का, जिससे कि हमारे हार्ट को वो पंप करती हैं, तो हमारा ब्लड पूरे वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, है ना। तो एक फंक्शन इसका क्या हो गया, पंपिंग ऑफ द ब्लड। उसके बाद है ब्रीदिंग, स्पीकिंग, स्वेलोइंग, इन सभी में भी हमारी कुछ मसल्स हैं, है ना, जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये ब्रीदिंग, स्वेलिंग और स्पीकिंग ये सारी मसल्स के थ्रू हो पा रहा है ना। यहाँ पे बहुत सारी मसल्स मिल करके पर्टिकुलर एक मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पीकिंग को होने दे रही हैं, है ना, ग्रुप ऑफ फेशियल मसल्स मिल करके ये मूवमेंट करा रही हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मसल कितने टाइप की होती है ना। तो मसल तीन टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तीनों ही मसल्स का अपना एक अलग अलग फंक्शन है, स्केलेटल मसल का अलग है, स्मूथ का अलग और कार्डियक का अलग, है ना। हम जानते हैं स्केलेटल मसल का क्या फंक्शन है, एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल अभी दूंगा, फिर इनमें डीप हम डिस्कशन करेंगे। तो स्केलेटल मसल में क्या है कि स्केलेटल मसल हमारे बॉडी के मूवमेंट कराती है, ठीक है। स्मूथ मसल का क्या फंक्शन है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसोफेगस, ब्लड वेसल्स, उनका जो फंक्शन है वो स्मूथ मसल के थ्रू होता है। तीसरी कौन सी अपनी, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो तीनों है उनका क्या फंक्शन है, है ना, पंप करना, वो उसका फंक्शन है। अब इनको हम डीप में देखेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में क्या है, सबसे पहला पॉइंट अपना वॉलेंट्री मसल, मतलब कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री टू दो वर्ड आएंगे, तो हमें ये पहले समझना है कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री का मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं। मैं बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि मेरी कुछ स्केलेटल मसल्स वहां पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ये मेरे कंट्रोल में, स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है। ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं ये मेरे कंट्रोल में है कि कब मैं इसे रोकूंगा, ये कितने धीरे से या कितनी तेज से मैं मूव करूंगा। तो ये तभी हो पा रहा है क्योंकि ये मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है। वो ये वॉलेंट्री कंट्रोल क्यों है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल का पहला काम क्या हो गया आपका, कि उसमें वॉलेंट्री कंट्रोल है, मतलब इन मसल ग्रुप में वॉलेंट्री कंट्रोल है कि कब मुझे बोलना है, कब मुझे स्टॉप होना है। दूसरा, बोन्स अटैचमेंट। स्केलेटल मसल एक बोन से निकल करके दूसरे बोन पे क्या करती हैं, अटैच करती हैं ना, ठीक है। इनका एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन पॉइंट होता है, ओरिजिन जहां से वो ओरिजिन निकल रही हैं,
है ना, स्टार्ट कर रही है, इंसर्शन जहां पे वो एंड हो रही है ना, और बीच में इनकी क्या होती है, बेली, बेली ऑफ द मसल, ठीक है ना। अब है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल, हमारी स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड मसल होती है, मतलब कि जो अंदर फाइबर्स हैं, जो अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं, वो कैसे प्रेजेंट है, वो पैरेलली प्रेजेंट है ना। स्ट्रिएटेड का मतलब ये होता है कि जो फाइबर्स हैं वो अगर पैरेलल प्रेजेंट हो तो उसे स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है स्ट्रिएटेड मसल का, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ अंदर मसल की क्या होता है, एक्टिन मायोसिन फाइबर्स होते हैं, तो वो पैरेलल प्रेजेंट रहते हैं, तभी जाकर के एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन लेंथनिंग, ये तभी हो पाता है बिकॉज ऑफ द ओनली स्ट्रिएटेड फाइबर्स कारण, स्ट्रिएटेड, इसीलिए स्केलेटल मसल हमारी स्ट्रिएटेड मसल होती है। फिर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब हमारे स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण से उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जा रहा है। डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट यहाँ पे, तो डार्क और लाइट बैंड का मतलब है कि एक्टिन और मायोसिन है ना, तो जो हमारा मायोसिन होता है उसे हम डार्क बैंड कहते हैं और जो एक्टिन होते हैं उसे लाइट बैंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम है स्केलेटल मसल में एक्टिन मायोसिन फाइबर्स होते हैं, तो यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आखिरी पॉइंट है सोमैटिक नर्व सप्लाई, है ना, जो हमारी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है ना, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके पूरे हमारे स्केलेटल मसल पे इन जिनका क्या है वो वहां पे गई हैं, है ना, जो कि कंडक्शन वहां पे प्रोवाइड कर रही है, तो वो सारी की सारी जो नर्व्स है वो किसके अंडर आती है, सोमैटिक नर्व सप्लाई के अंदर आती है, और इसी सोमैटिक नर्व सप्लाई के कारण हमारा कोई भी एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। अब स्केलेटल मसल की जो न्यूरो एनाटॉमी है यहाँ पे काफी कम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे काफी अच्छे से, डीप से, कैसे मसल फॉर्म होती है। फिर अगला क्या है अपना, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल एक तरीके का इनवॉलेंट्री मसल है जो कि हम कंट्रोल में नहीं, जैसे कि आप इसोफेगस को नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो स्टॉप हो जाए, या ब्लड वेसल को ये स्टॉप नहीं कर सकते कि वो पंपिंग करना बंद कर दे, है ना। दूसरा है नो अटैचमेंट, इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है किसी बोन से, जैसे कि स्केलेटल मसल का होता है ना, तो यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं होता। अनस्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड मसल नहीं होते, इनमें फाइबर्स ऐसे पैरेलली नहीं होते क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे कोई मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा ना, ये इनवॉलेंटरी है ना। फिर है यूनिन्यूक्लिएटेड, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस सेक्शन में प्रेजेंट होता है इनमें। डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कैसी सप्लाई हो रही है, ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई, जिसमें कि हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी क्या है, तीसरी कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल भी एक तरीके की इनवॉलेंट्री मसल है, हम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है ना, क्योंकि अगर रोकेंगे तो सीधे ऊपर, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल। दूसरा क्या है, नो अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप ब्रीदिंग जो ये इनवॉलेंट्री है, कुछ लोगों को डाउट होगा कि हम सर रोक लिए, नहीं, यहाँ पे आप जो रोक रहे हो ना, आप अपनी ब्रीदिंग को रोक रहे हो, मसल को नहीं रोक रहे, आप ब्रीदिंग को रोकोगे और यहाँ पे टच करके देखोगे तो जो आपके मसल्स ऐसे ऐसे मूव करेंगी, तो आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि ये इनवॉलेंट्री, आप ब्रीदिंग को रोक रहे हो, ठीक है। नो अटैचमेंट, इसका भी कोई अटैचमेंट नहीं होता है, हार्ट के चारों तरफ ये क्या होती है, कवर्ड होती है। सेम अनस्ट्रिएटेड है ना, इसमें पैरेलल फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डार्क लाइट बैंड एब्सेंट है क्योंकि एक्टिन मायोसिन नहीं है। ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई है, जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई रहती है, जिनका भी हम आगे चल के न्यूरो एनाटॉमी में प्रॉपर फंक्शन देखेंगे। तो ये था हमारा आज बहुत ही शॉर्ट मसल के बारे में, जो बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, तब जाके आपको मसल के आगे के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप ये अच्छे से कवर हुआ है। थैंक यू।